श्रोताओं नमस्कार। आज हम ओलंपियन राजकुमार पाल के घर पे हैं और आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपने ओलंपिक पे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है तो उसके पीछे क्या रहस्य, क्या राज है। सबसे पहले हम आपके गांव का नाम जानना चाहेंगे। मेरे गांव का नाम करमपुर गाजीपुर। आपने हॉकी खेलने के लिए ही क्यों सोचा, और भी बहुत सारे गेम हैं, हॉकी क्यों खेलना शुरू किया आपने? जो मेरे गांव में जो गेम होता था बस हॉकी होती थी और कुश्ती होती थी, तो मुझे हॉकी, मेरे घर में दो लोग मेरे बड़े भाई खेल रहे थे तो उन्हीं को देख के मैं भी स्टार्ट कर दिया हॉकी खेलना। हॉकी खेलने के लिए आपको कभी असुविधा नहीं हुई कि इस छोटे से गांव में कैसे क्या सुविधा होगी, कैसे इतना बड़ा ओलंपियन हम बन जाएंगे, क्या कुछ सोचा होगा आपने उसके लिए, थोड़ा सा बताइए। उस टाइम जब स्टार्ट किया था, प्रॉब्लम सबके घर में ही होती है तो हमारे घर में भी थी, तो हम उस टाइम जो हमारे एकेडमी चाहते थे स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी, तो हम लोग को काफ़ी मतलब हेल्प किए उस एकेडमी में, प्रोवाइड करते थे हॉकी किट शूज जो होता है इक्विपमेंट हॉकी के लिए वो देते थे। और रही बात, हाँ प्रॉब्लम तो हर एक फैमिली में होता है स्टार्टिंग में, तो हम लोग को भी साथ प्रॉब्लम थी, उसके साथ साथ हम लोग करते गए। उतना उस टाइम इंडिया लेवल का मुझे नहीं पता था जब स्टार्ट किया, तो जैसे मैं बड़ा हुआ थोड़ा और नेशनल नेशनल लखनऊ गया जब, उसके बाद पता चला इंडिया टीम। किस उम्र से आपने हॉकी खेलना शुरू किया? 10-11 वर्ष में स्टार्ट कर दिया था। उस वक्त किस क्लास में आप पढ़ते थे? वही मैं 6 क्लास में 6। अच्छा, तब आपको एहसास नहीं था कि कहाँ पर कैसे क्या करना जी है? बस गांव में होता था और मेरे ग्राउंड पे मेरे भाई लोग जाते देख के स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि हॉस्टल होता है, जैसे लखनऊ में जी, और बनारस में, रामपुर में था, सैफई में था, तो फिर ये हुआ कि स्टार्ट करेंगे। फिर मुझे हॉस्टल में जाना है, उस टाइम मेरे लखनऊ एसटीसी लखनऊ का काफ़ी नाम था, तो उस टाइम यही था कि माइंड में मुझे इस हॉस्टल में जाना है। जो यहाँ के हमारे कोच साहब थे इंद्रदेव सर और मनोज भैया, उस टाइम काफ़ी मतलब हॉकी से जुड़े थे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ से ग्रास रूट पे। तो जब आपने ये जो हॉस्टल जाने की बात कही, ये किस उम्र में आपने हॉस्टल जाने का सोचा? जैसे मैं हॉकी स्टार्ट किया उसके 1-1.5 साल बाद फिर उसके बारे में पता चला। फिर उसके पहले मैं अंडर-14 लखनऊ गया खेलने, लखनऊ गया तो वहाँ पता चला कि हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर जाना है। उससे मेरे भाई भी लोग चले गए उसी साल, तो और मतलब हुआ कि मुझे भी जाना किसी तरह हॉस्टल में, अच्छे हॉस्टल में जाना है, अपने आप को प्रूव करना है। अच्छा, फिर उसके बाद में आपका नेशनल के लिए सिलेक्शन कब हुआ? मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन 2012 में स्कूल नेशनल में हुआ था। उसके बाद हॉस्टल लखनऊ एसटीसी जाने के बाद वहाँ पे मतलब काफ़ी 40 लड़के थे, एक वहाँ टीम में आने के लिए काफ़ी मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि उस टीम में आने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। और हमारे कोच साहब थे उस टाइम रजा सर थे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे लड़के थे, पूरे उत्तर प्रदेश के टॉप खिलाड़ी वहीं पे थे, तो वहाँ के टीम में लगना एक बहुत बड़ी बात थी वो भी जाते ही। तो मैं भी एक साल वहाँ प्रैक्टिस किया, धीरे धीरे आके 2013-14 में कंटिन्यू टीम में लग गया मैं, एसटीसी लखनऊ तरफ से खेलने लगा। फिर मैं उत्तर प्रदेश हॉकी से भी उस यूपी नेशनल टीम के साथ खेलने गया, तो वहाँ पर काफ़ी मतलब काफ़ी बच्चे आते हैं तो अपने आप को जगह बनानी पड़ती है, उसके लिए काफ़ी हार्डवर्क होता है पीछे। तो अब जब आपका सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ तो क्या आपको लग रहा था कि आप ओलंपिक भी खेलेंगे? बट उस टाइम तो उतना नहीं बैठा, इतना था कि माइंड में चल रहा था कि मुझे इंडिया खेलना है, ओलंपियन बनना है। तो धीरे धीरे जैसे मैं मेरा बढ़ता गया नेशनल खेलना, फिर सीनियर नेशनल, फिर मैं मेरा एयर इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। जो एयर इंडिया डिपार्टमेंट था वो स्कॉलरशिप पे बच्चों को रखती थी 2016 में 2017 में, तो वहाँ से मतलब फिर और मेरे को जितना ऊपर जाएंगे बड़ी टीमों के साथ जुड़ते रहेंगे उतना ज़्यादा कठिनाइयाँ भी थी। जो हमारे रजनीश सर थे वहाँ पे एयर इंडिया टीम में, तो वहाँ से मुझे जब उस टीम से गया खेलने, उस टीम में काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर थे, ओलंपियन थे एयर इंडिया टीम में, तो और हौसला बढ़ा मेरा, तो वहीं से मेरा मुझे लगा कि हाँ मुझे ओलंपिक खेलना है। किसी उस टीम में आने के बाद और थोड़ा मनोबल बढ़ गया, उस टीम में मैं ओलंपियन खिलाड़ी पहले थे, 5-6 खिलाड़ी थे ओलंपियन, जो हमारा कोच थे एयर इंडिया के रजनीश मिश्रा वो भी इंटरनेशनल थे, तो वहाँ से थोड़ा और फील होने लगा। अच्छा, ओलंपिक में जब सिलेक्शन हुआ तब आपको कैसा लगा? ओलंपिक में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मतलब उसके जब मैं कैंप में गया 2018 में, तो वहाँ पे जाते ही तो मैं सपना मतलब था कि ओलंपिक खेलना, उसके साथ मेडल भी लेना है। तो ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ, पिछली बार जो 2020 में ओलंपिक हुआ था उसमें मेरा नहीं हो पाया था, कैंप में उस टाइम भी था। फिर मैं सोचा मेरे अंदर कुछ कमी रह गई होगी, उसको मैं अपना दूर किया, हार्डवर्क किया, लोगों से जाना जो सीनियर्स बताए मेरे, जैसे हमारे टीम में ललित उपाध्याय भाई मेरे यहाँ के हैं,
वो भी मतलब काफ़ी सपोर्ट किए। तो ऐसे एक दो कमियाँ पता चली मेरे उसमें काम किया तो मैं फिर अपना जगह बना पाया टीम में। अच्छा, इसमें जो आप ओलंपिक खेले ब्रॉन्ज मेडल भी है, एक बार तो बहुत मुश्किल स्थिति आ गई थी, तो जो आपका मैच था स्पेन से पहले जी, जर्मनी या जर्मनी से पहले, तो पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, उस बारे में थोड़ा आप बताइए कि किस मैच में क्या प्रॉब्लम कैसे लगा था आपको। पीसी में हम लोग गोल खाएँ, बट उस पीसी का फर्स्ट रेसर हमारा अमित रोहिदास काफ़ी मतलब अच्छे हैं, उस चीज़ में माहिर है वो, तो हमें लगता है उनकी कमी थोड़ी खली है, उस दिन भी नहीं था, साथ नहीं दिया। बाकी हम लोग उसके बाहरने के बाद अपने रूम पे गए, अगले दिन शाम को टीम बैठी, आपस में लड़के बैठे, बात किए कि हम लोग इतना मेहनत किए उसके लिए हम लोग को मेडल किसी हाल में देना, और हमारा जो पीआर सिरजेश भाई थे उनका भी लास्ट मैच था कि हमें इनको भी सम्मान देना है कि मेडल रहेगा तो इनका अच्छा रिटायरमेंट होगा, अच्छे इनके लाइफ में अच्छा एक मोमेंट बनेगा, मेमोरी मेरी होगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आप लोग एक फीलिंग, एक चैलेंज आई जी, मन में जोश आया। तो जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बेंगलुरु में, हम लोग पूरे मतलब महीने भर रहते हैं, एक हफ्ते के लिए छोड़ते हैं, फिर महीने भर लगातार रहते हैं, वो सब बातें माइंड में आई, सबको बात की कि हम लोग इतना कठिनाई किए, थोड़ा और बचा है, उसमें हाथ पैर अगर कुछ टूटता है तो जुड़ जाएगा, बट ये जीत जाएंगे तो ऐतिहासिक रहेगा, काफ़ी मतलब हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो देश काफ़ी मतलब सपोर्ट मिला है इस बार इस ओलंपिक्स में, जो हमारे केंद्र सरकार है वो भी स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी मतलब इस बार इच्छुक है, और प्रदेश भी है, जो हम लोग नए नए जो ये हॉकी जो स्पोर्ट्स के लिए नई नई पॉलिसी बन रही है, काफ़ी आने वाले टाइम में और भी लड़के मतलब अच्छा करेंगे स्पोर्ट्स में। अच्छा, जो आप स्पोर्ट्स कर खेले हैं अभी हॉकी का जी, तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ सहयोग मिला था? उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे 1 करोड़ रुपये और एक डिप्टी एसपी। नहीं नहीं, खेलने के पहले, ब्रॉन्ज से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। जी, मेडल के पहले तैयारी के लिए जी। जी, इसमें पहले हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का कैंप लगता है कंटिन्यू, तो उसमें वो हम लोग के लिए बाहर भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो हम लोग जाने से पहले ही हम लोग गए थे स्विट्जरलैंड, वहाँ हम लोग की तैयारी, फिर नीदरलैंड गए, उससे काफ़ी मतलब पहले से बेटर सुविधा मिली हम लोग को, पहले से ही हर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सब कुछ है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी काम हो रहा है, अभी नई नई स्कीम निकलने, खेलो इंडिया हुआ और नेक्स्ट जोन वाइज करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट करा रहे हैं कि और इसमें लड़कों को ज़्यादा बेनिफिट होगा कि ज़्यादा टूर्नामेंट खेलेंगे तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा प्लेयरों को, तो इसलिए मुझे लगता है कि और आने वाले टाइम में और अच्छा होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जब तक जज्बा ना हो या मन में एक पक्का दृढ़ निश्चय ना हो या कुछ कर जाने की ठान ना हो, तब तक कोई भी आदमी न महान बनता है न कुछ कर पाता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपके परिवार में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने फैमिली को देना चाहूँगा, और सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह, जो हमारे गांव में इतना अच्छा स्टेडियम चल रहा है हॉकी का, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो हमारे जो हमें एक्चुअली मोटिवेशन मिलता है अपने जो मैं स्टार्ट किया उस टाइम मेरे क्या है, मैं क्या किया था, कैसा मेरा स्थिति थी, वो सब माइंड में मैं हमेशा सोचता हूँ, तो इससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा, आपको कभी बहुत ऐसी चुनौती है जिसको आप बखान करके बताना चाहेंगे कि ऐसी भी परिस्थितियाँ वहाँ से निकल करके हमें आए, तो जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले, क्योंकि बच्चों को जब चैलेंज मिलता है, चुनौती मिलती है, कठिनाई आती है, तो बहुत से बच्चे अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो जैसे कुछ ऐसा ही घटना हो जिसका जिक्र करना चाहिए आप? हमारे साथ एक घटना ये हुई थी, जो हम जूनियर इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, उस टाइम जूनियर वर्ल्ड कप 2016 में हुआ था, उसके बाद नया लड़के लेने थे 2017 के लिए वर्ल्ड कप जूनियर टीम के लिए, तो उस टाइम मैं नेशनल खेला, ये हुआ कि नाम आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा डेट ऑफ बर्थ 98 था, वो 99 वालों को ले लिया, तो मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए काफ़ी मतलब तैयारी किया था, मुझे कैंप में जाना है किसी हर हाल में, जूनियर टीम में कैंप में जाना, वहाँ से फिर सीनियर में जाना है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो बहुत ही पल ख़राब था, उस टाइम नाम नहीं आया, तो उसके बाद से मैं फिर ये हुआ कि मैं सीनियर में जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, डायरेक्ट सीनियर टीम में जाना, जूनियर से लड़के खेलते हैं उसमें से ईजी चले जाते हैं, बट सीनियर में जाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं फिर भी दम नहीं छोड़ा, अपना हार्डवर्क करता रहा, फिर डायरेक्ट सीनियर में कैंप करने चला गया। अच्छा, परिवार में माता पिता भाई बंधु किसको श्रेय देना चाहेंगे या आस पड़ोस कोई दोस्त फ्रेंड जिसका जिक्र आप करना चाहें? मैं अपने माता जी को देना चाहूँगा और अपने भाइयों को देना चाहूँगा। आपके बेटा राजकुमार पाल जो तो ओलंपियन हो गिलन, बड़ी संघर्ष कैलन, कैसा लगा था आपके, खुश भैलू कि ना खुश भैलू? बहुत खुशी, खुशी का कोनो ठिकाना ना, खुशी खुशी बधाई है, सब लोग बधाई देने आवत है, बहुत दूर दूर से आदमी आवत हूँ, जहाँ
ना जौन आदमी ना पहुँचे तौन आदमी पहुँच जाते हुए बहुत खुशी है बहुत। अच्छा, ये गांव इतना छोटा सा लेकिन राजकुमार इतना बड़ा काम कर ले ना, तो ये बारे में कुछ बताइबू कि कैसे कैसे खेला था ना, का करत ना, पढ़े में मन लगा था ना लगा था, हकीये के पीछे भागत रह ना, का करत ना? हमारा लड़का हाकिए में लवलीन रहा है, थोड़े वो जितना पढ़े में ना ध्यान रहा उतना हॉकी में ध्यान रहा है। दोनों लड़का हमारे खेले जाए, यो लड़का हमारा एक खेले न जाए दें, तो ये अपन बाँसे का हॉकी काट के अपन खेल शुरुआत किया बाँसे के हॉकी से। घरे दुआरे को लैकन के बटोर के खेल खेलत कर रहे, खेलत खेलत अपन दुआरों अंगने खेले, वो लोग मने कहें तो ना जाए दें, तो जा जा फिर जब माथे ले लोग पहुँचे तो यो पासे पहुँचे भैया, तो अपन ग्राउंड में बोलें लोगन बोला कि सब एक का घर का तीन लड़का खेलिए, तो आज तो हमसे कहा था राजकुमार कि भाई हमें हम लोग बोला ना, तो हम कहें कहा भैया वो खेले थे, तो उनका बाप अभी तक कहना कि ये बाबू हमें ना खेले देना, तो कहने करे साल कहे नहीं जाए देते, तब घर छूट दे देना। अच्छा, लोग मना करे कि एक घर का तीनों लड़का खेलिए? हाँ, इन जोखन की आवा कि उनको किया कि पढ़ी लिखी घर में रही तब अपन करी, तब अपन खेले में लवली न रहा भाई, और कौन दिन रात स्कूल में जाए तब वो वहाँ की खेलें खेल के आवें, रात अनहार ले धुनार ना लेकर खेल ना, तब जो खेलता रहें खाकी में बड़ा लवली न रहें। ऐसे भैया खेलाओत खेलाओत तेज बहादुर सिंह अपन खेलौना सिखौना पढ़ौना यहाँ वहाँ हॉस्टल में भेजना, यही से हमारे लड़का इतनी तैयारी कर ले। मैं देखता हूँ कि क्रिकेट में या और गेमों में बहुत लोगों में वो है क्रेज है कि खेल के लेकर के खेल रहे हैं, लेकिन हॉकी को लेकर के लोगों में ये रहता है कि हॉकी ग्रामीण परिवेश का खेल है, तो ऐसे में बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे? बच्चों की जो चॉइस है वो खेलना, बट कुछ कि हर बच्चों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, वो सेहत के लिए भी लाभदायक है और आपकी फिटनेस भी मेंटेन रहेगी, तो कोई ना कोई स्पोर्ट खेलना चाहिए, बस हॉकी उतना क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हॉकी का भी थोड़ा इस ओलंपिक्स में काफ़ी सपोर्ट मिला है हॉकी का भी, तो आने वाले दिनों में हॉकी का भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे अवसर। अच्छा, आप लोग जब ये ब्रॉन्ज मेडल की जीत गए तो उसके बाद कैसा फील हुआ था? ये हम लोग फील तो काफ़ी मतलब अच्छा, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, उस टाइम जब जीतने के बाद खुशी अलग ही थी। उसके बाद मैं घर के बाद सब कॉल किया, जैसे मेरे पास फ़ोन आया जीतने के बाद, घर में भी काफ़ी मेरे आए थे गांव वाले लोग, एक जो एकेडमी चाहते वहाँ पे स्क्रीन लगाए थे वो लोग बैठे थे, काफ़ी लोग मैच देख रहे थे मेरे गांव के, तो मैं वो तो कभी नहीं भूल पाऊँगा, कहने की बात नहीं मैं क्या बोलूँ अभी इस टाइम। नहीं, शुरू में स्पेन ने गोल कर दिया था तो उस वक्त दबाव बढ़ा होगा आप लोगों को? बिल्कुल दबाव तो, और मेडल मैच था उसमें दबाव तो पड़ना है, वो भी टीम अच्छी टीम, जितनी भी लोग एक्चुअली कहना चाहूँगा कि ओलंपिक्स में टीम आती है काफ़ी मतलब अच्छी टीमें आती हैं, वो वहाँ पे ये नहीं कि कोई भी हम जाएंगे तो जीत ही जाएंगे, बट हाँ जो मेहनत किया जाता है अपना कंसिस्टेंसी दिखाता है जिसका अपना टेक्टिकल वर्क जो कोचेस बनाते हैं अपना दूसरे के, अब हम लोग राजनीति क्या होती है, उस टीम के पहले से तैयारी काफ़ी होती है, उस टीम के बारे में वो हम लोग देखना पड़ता है कि क्या उसका क्या गलत है क्या सही है, उसके ऊपर काम होता है पहले से एक दिन पहले से अच्छे से, तो हमें लगता है कि उस समय हम लोग कामयाब हुए, हम लोग का मेडल मिला और उसमें टीम एफर्ट काफ़ी एफर्ट हमारी टीम जो बताया आपको मीटिंग हुई उसके बाद से लड़के काफ़ी उत्सुक, हम लोग जीत के ही जाना किसी हाल में, तो टीम बॉन्डिंग दिखी है, टीम एक साथ हो चुकी है, एकजुट होकर खेली है, इसलिए हम लोग का मेडल आराम आया। अच्छा, श्रीजेश जी को आप लोगों ने तोहफा दिया, इस मामले में उनका क्या कुछ रवैया था, क्या कुछ कहना चाहते? तो हम प्लेयरों का काफ़ी धन्यवाद किए कि हम लोग हमारा लास्ट मैच था, आप लोगों ने खेला भी, उससे हम लोग मेरा इतना लास्ट मैच था इतना अच्छा मेरे रूबल बनाने के लिए काफ़ी वो भी उस खुश थे काफ़ी कि हम थैंक यू सो मच बोले सबको कि ये मैच हम लोग जीत गए। हम लोग मैच से पहले स्टार्ट होने से पहले हम लोग मीटिंग किए कि आज हम लोग सरजीत भाई के लिए खेलेंगे, उनके मेडल दिलाएंगे और लास्ट मैच उनका, इसलिए। अच्छा, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आमतौर पर घर में गार्जियन बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, जी जी जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनको खेलना देना चाहिए, क्योंकि आजकल खेल में बहुत करियर की संभावना है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा खेल के साथ साथ पढ़ाई भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खेल भी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आजकल थोड़ा जो यंग जनरेशन है फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान दे दी है, तो थोड़ा इसको अवॉइड करके अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, मोबाइल फ़ोन थोड़ा कम करेंगे और उसके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। मोबाइल से है ये अच्छी चीज़ भी है, आप कर क्या रहे हैं उसमें वो मैटर कर रहा है, मोबाइल से भी बहुत कुछ सीख सकते हो, बट मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, साथ साथ पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है,
तो स्पोर्ट्स करेंगे उनके सेहत के लिए और फिटनेस रहेंगे, फिट रहेंगे। कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए हर एक बच्चे को जो आने वाले टाइम में वो और अच्छा हो सके। राजकुमार पाल जी, आपने हम लोगों को इतना अच्छा समय दिया, हमारे देश के लिए ब्रोंज जला है, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम तो और दुआ प्रार्थना प्रभु से करेंगे कि और 4-5 ओलंपिक में आप खेलें और अच्छा से अच्छा गोल्ड लेकर के देश के लिए लाएं, हमारी शुभकामनाएं। आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।